नमस्कार दोस्तों दोस्तों आईपीएल 2021 पे बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। आज मुंबई और एसआरएस का मुकाबला था, लेकिन आज का मुकाबला भी टाल दिया गया दोस्तों। अभी दिल्ली के अमित मिश्रा भी कोविड पॉजिटिव निकले हैं और सनराइजर्स हैदराबाद से रिद्धिमान साहा कोविड पॉजिटिव निकले हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, आईपीएल 2021 सस्पेंड हो चुका है। अभी ब्रेकिंग फ्लैश चल रही है हर जगह पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और ये बहुत ही दुखद खबर है क्रिकेट फैंस के लिए, और आप भी अपना इस पर रिएक्शन दीजिए। आपको क्या लग रहा है, आपको कितना मन दुखी है इस बात से, जब से आप सुने हैं कि आईपीएल 2021 सस्पेंड हो चुका है। दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होने वाला था, लेकिन अब तो पूरा का पूरा आईपीएल ही सस्पेंड हो चुका है। और अभी इसमें मैं देखता हूँ आगे क्या है, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि आईपीएल 2021 सस्पेंड हो चुका है। और अगर कोई अपडेट इसके बाद भी आती है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा, लेकिन अभी जो मुझे खबर मिली है, जो अभी खबर आ रही हैं उसके हिसाब से तो अब ये 2021 का आईपीएल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई और इस पर अपडेट आती है तो मैं वो आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, आपको आईपीएल से जुड़ी हुई, क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां यहां पे मिलती हैं।